आदेश। जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे जितने भी प्रिय साधक हैं और प्रिय दर्शक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दीपावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में। और इसमें जितने भी सिद्धियाँ होती हैं, जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी साधक होते हैं, वो उस त्यौहार पर उस दिन एक से एक मंत्र सिद्ध करते हैं, एक से एक सिद्धियां करते हैं, एक दिन की एक दिवसीय सिद्धि करने में रुचि रखते हैं। और वो पूरी रात भर जगते हैं और पूरी रात भर साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जो लोक कल्याण, जन कल्याण और सनातन धर्म और अध्यात्म में तरक्की और रुचि के लिए वो ये प्रयत्न करते रहते हैं। तो दोस्तों, उसके चलते हुए आप लोगों के लिए भी मैं एक बहुत ही बढ़िया और सटीक अनुष्ठान लेकर आया हूँ, जिससे मात्र कल और परसों कर लेने से, जैसे कि आज का दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को कर लेने मात्र से ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा और आपके घर से दरिद्रता का नाश होने लग जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग परेशान रहते हैं और कहते हैं, भैया जी, मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत दरिद्रता है, पैसे बहुत हैं पर पैसे रुक नहीं पाते हैं, धन का आवागमन नहीं हो पाता है, नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो उसके चलते हुए मैं आप लोगों के लिए कामाख्या माई का एक जो अनुष्ठान है वो एक दिवसीय है। वैसे कि मैं आप लोगों को 2 दिन का ये सूचना दूंगा इस चीज़ की करने के लिए। और इसको एक दिन अगर करना हो, केवल दिवाली वाले दिन आपको करना हो, तो दिवाली वाले दिन कर लीजिएगा या फिर आप 2 दिन कर लीजिएगा। और वीडियो आज मैंने डाल दिया है और आज से ही आप लोग कर लीजिएगा। कोई बड़ी सामग्री आपको कहीं से नहीं लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप इस अनुष्ठान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों एक चिराग की आवश्यकता पड़ेगी। चिराग आपको थोड़ा सा बड़ा लाना है मार्केट से, जैसे पराई होता है, सरों का होता है। और दोस्तों, एक लाल आसन की आवश्यकता पड़ेगी, अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, और एक आसन जिसमें आप बैठेंगे, लाल आसन या कोई भी, या फिर हरा आसन हो सकता है, और या काला आसन हो सकता है, या सफ़ेद आसन हो तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और लाल वस्त्र हो या पीले वस्त्र हो या सफ़ेद वस्त्र हो, कोई भी वस्त्र आपके हो पर साफ सुथरे वस्त्र हो, माला आप कोई भी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को, जो आप गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, पूजन करने के बाद आप लोगों को 10 बजे से 11 बजे के बीच आपको ये अनुष्ठान के लिए बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों को एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, शुद्ध घी का। और वो दीपक थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, जो आपको रात्रि पूरी रात्रि भर जगता रहे, अखंड दीपक जिसको कह सकते हैं आप। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर, जो मैं प्रार्थना आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रार्थना इस प्रकार से है, आप प्रार्थना सुन लीजिए दोस्तों। हे माँ लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो अब माता कामना हमारी, धन की अधिष्ठार्थी, जीवन सुखदार्थी। सुनो सुनो अम्बे सद्गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब मत करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। दोस्तों, ये आप लोगों को प्रार्थना करनी है, सबसे पहले हाथ जोड़कर, जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र की 101 माला आप लोगों को जप करनी है। 101 माला आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 घंटे में आपकी संपन्न हो जाएगी। इसको आप अगर दिल से मेहनत करके अगर आप करते हैं, तो ये 3.5 घंटे में आपकी बड़े आराम से हो जाएगी और पूरी रात्रि भी आपको जगना नहीं पड़ेगा। पर दीपक जो रहेगा वो अखंड दीपक रहेगा जब तक सूर्योदय ना हो जाए। तो दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए सबसे पहले। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाख्याय, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम श्रीम श्रीम, फट स्वाहा। दोस्तों, दोबारा से मंत्र सुन लीजिए, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः कामाख्याय, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम श्रीम श्रीम, फट स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है और इस मंत्र को आपको 101 माला कम से कम आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकेंगे उतना ही आपके लिए लाभ देगा ये। और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए जीवन बदलने का भी एक अनुष्ठान रहे, क्योंकि ये दोस्तों अनुष्ठान बहुत ही अच्छा है और मैंने इसकी टेस्टिंग करी है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि बिना टेस्टिंग के कोई चीज़ मैं नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, इसको आप जब करना है, फिर जैसे ही सूर्योदय हो जाए, तो सूर्योदय होने के बाद जब दीपक अपने आप बुझ जाए,
बुझने के बाद आपको उसे एक साफ सुथरे नए कपड़े में या लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में गांठ मार कर उसको अपनी तिजोरी में या धन जहाँ रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन केवल 5 बार इस मंत्र को, जो मैंने मंत्र आपको बताया है, उस मंत्र को आपको 5 बार केवल पूजा के दौरान, जब आप पूजा कर लें उसके बाद 5 मिनट का, या 5 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 5 बार इसको आप जप कर लीजिए और घर से तब निकलिए। आपका जितना भी रुका हुआ कार्य है, जितना भी रुका हुआ धन है, जो भी कर्जे से संबंधित है, जो भी व्यापार से संबंधित है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये अनुष्ठान को आप थोड़ा गंभीर पूर्वक लेते हैं और ये चेतक प्रयोग है और इसको कर लीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ दिवाली की।